नमस्कार, आप आर मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं पटना के उदयन हॉस्पिटल में और हमारे बगल में मौजूद हैं अयांश की माँ। अयांश 3 दिनों से इसी हॉस्पिटल में भर्ती है और ज़िंदगी और मौत से आईसीयू में जूझ रहा है। अभी अयांश की मम्मी से हम उसके ताज़ा हालात के बारे में जानेंगे। अभी अयांश कैसा है? अभी सर वैसे ही है, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है उसमें। अयांश को लेकर डॉक्टरों ने क्या कहा अभी? डॉक्टर ने बोला है कि जो हम लोग फर्स्ट डे आए थे उसका जो एक्सरे हुआ था वैसा ही वो एक्सरे कल भी हुआ तो सेम रिपोर्ट्स है, कुछ अंतर नहीं आया, निमोनिया हुए वैसे ही है उसे। अभी उसके तबीयत में कोई सुधार हुआ या नहीं? नहीं सर, कोई खास सुधार नहीं है, बस फीवर जो आ रहा था वो फीवर आना बंद हो गया है। अब निमोनिया जो है वो वैसे ही है, वो कम होगा तभी हम उसको कहीं घर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके चेस्ट में पूरा कफ जम गया है और खाना वाना तो एकदम बंद ही हो गया है, केवल ट्यूब के थ्रू दूध पी पा रहा है, वो भी 20 ml 10 ml ऐसे करके। अब तक कितना रुपया इकट्ठा किया जा चुका है? 7 crore 13 lakh आज का लेटेस्ट अपडेट। हाँ, 7 crore 13 lakh के आसपास है, 13 lakh कुछ होगा। जो लोग अयांश को लेकर अफवाह फैला रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर अब मैं हर रोज़ तो उन्हीं लोगों को बोल रही हूँ, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास उन लोगों के लिए शब्द नहीं है। बस यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अभी भी आप लोग थोड़ा सा अयांश की मदद के लिए आगे आइए। ये अफवाह उड़ाना या फिर जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी गलत बातें हैं, वो तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, पहले अयांश ठीक हो जाए कम से कम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये लोग अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? अब वो सर वही बताएंगे ना वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब पॉजिटिव चीज़ें आप दिखा रहे हैं, वो निगेटिव दिखा रहे हैं, अब तो वो बेसिकली वही बता पाएंगे कि निगेटिव दिखाने में उनको कितना फ़ायदा है। अगर टीआरपी के चक्कर में आप ये खेल खेल रहे हैं तो ये खेल खेलना बंद कीजिए। चाहते तो हम भी अयांश के माता पिता को गंदा बोल के, घटिया बोल के लाइक व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते थे, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और मेरे अंदर भी इंसानियत है। वो एक 11 महीने का मासूम बच्चा है जो कि अभी ज़िंदगी और मौत से उदयन हॉस्पिटल में जूझ रहा है, अभी भी ऑक्सीजन पे है। एक और बात, ये अयांश के पापा को लेकर अफवाह उड़ रहा है, वो तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए, फिर भी टारगेट उनको किया जा रहा है। अगर किसी को डाउट है तो अयांश के रिपोर्ट को क्लियर करें, ना कि उनको टारगेट करें, इस पर आप क्या करें? सर मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अयांश का रिपोर्ट एक डॉक्टर का नहीं, मेरे पास 5-6 हॉस्पिटल का है। मेरे पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर आएँ कि अयांश को बीमार नहीं है, अयांश को SMA टाइप 1 नाम की बीमारी नहीं है, तो मैं फिर मान लूँगी, ठीक है। और दूसरी बात अयांश के फादर को लेकर है, तो अयांश के फादर तो काफ़ी दिनों से यहाँ है ही नहीं, फिर उसके फादर की तो बात करनी ही बेकार है। मैं जब वो मेरे पति हैं, मैं उनका बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर लोग क्यों बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो तो इन चीज़ों से अलग हो चुके हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अयांश को SMA टाइप 1 बीमारी नहीं हुई है, लेकिन अयांश की मम्मी 5-5 बड़े बड़े हॉस्पिटलों का रिपोर्ट दिखा रही है जिसने ये प्रूफ किया है कि अयांश को SMA टाइप 1 है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके पास एक भी सबूत हो तो आप आएँ और दिखाएँ कि अयांश को SMA टाइप 1 नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो प्लीज़ अफवाह ना उड़ाएँ और अयांश को बचाने में मदद करें। यहीं गुजारिश करेंगे हम भी, और अयांश की मम्मी से चाहेंगे कि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करें। बिल्कुल सर, मैं सबसे बस यही विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचाइए, प्लीज़ अयांश की मदद करिए। अयांश के पास समय बहुत कम है और ये जो समय है उसके लिए बहुत क्रिटिकल चल रहा है। ऐसे में हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, बस शुरू से आप लोग ही हमारे माध्यम हैं, आगे भी आप ही लोग हमारे माध्यम रहेंगे, तो प्लीज़ अयांश को बचाइए, अयांश की मदद करिए। इसके बाद जब अगर अयांश यहाँ से ठीक हो जाता है, उसके बाद आप लोग का क्या प्लानिंग है? सर इसके बाद हम लोग बेंगलोर जाएंगे, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिचुएशन सर दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहा है, और एक बार SMA पेशेंट को अगर निमोनिया हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कि क्राउड फंडिंग जो था पहले तेज़ी से आता था, लेकिन अभी काफ़ी धीरा हो चुका है। जैसे 7 crore रुपए का जो राशि है वो बहुत पहले ही इकट्ठा हो चुका है, लेकिन जो 7 crore से 1 से 13 lakh तक जो पहुंचा है राशि, वो काफ़ी दिनों में पहुंचा है। तो आगे आप लोग का क्या प्लानिंग है, कैसे क्राउड फंडिंग करके या पैसा इकट्ठा करने का प्लानिंग है? सर हम तो, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा था क्राउड फंडिंग डोर टू डोर, शॉप टू शॉप करने का। हम वो 3 दिन किए भी, लेकिन तब तक बाबू की तबीयत ही ख़राब हो गई। अब तो हमारे पास सर कोई चारा नहीं है, जब तक कोई बड़े नेता या कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं आते अयांश के लिए, तब तक सर हम, मुझे नहीं पता क्या होगा अयांश के साथ। बाकी तो अब जो जनता है उन्हीं के भरोसे हमारा अयांश है,
बस मैं लोगों से यही अपील करूंगी, चाहे जो भी लोग मुझे सुन रहे हो, या वो मंत्री हो, या वो नेता हो, या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन हो, या फिर देश की आम जनता हो, सबसे मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आयांस को बचा लीजिए। जिसके पास जो भी हो, 100 हो, 200 हो, या 10 रुपये हो, जो भी हो, बस आप लोग बचा लीजिए, क्योंकि उसी पैसे से अब तक हम 7 करोड़ 13 लाख पहुँच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। हमारा चैनल बार बार आपसे निवेदन कर रहा है कि आप आयांस को मदद करें, उन अफवाह फर्जी अफवाह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आयांस की माँ 5-5 हॉस्पिटलों का रिपोर्ट दिखा रही हैं, जिसने ये प्रूव किया है कि आयांस को SMA टाइप 1 बीमारी है। लेकिन वो लोग को खुद पता नहीं है कि SMA टाइप 1 बीमारी होता क्या है, वो लोग क्या जानेंगे। आपको बता दें कि 2019 से इस बीमारी का इलाज शुरू हुआ है। ये बीमारी के बारे में बता दें कि ये बीमारी जो है, जो हमारे सर से सिग्नल शरीर को नहीं देता है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। एक बात और बता दूं कि ये कोई हमारे देश में केस नया नहीं है कि इतना हाइपर बनाया जा रहा है। इससे पहले भी वेदिका सिंधे करके एक लड़की थी जिसको ये सुई लग चुका है और उसकी डेथ हो चुका है। अगर ये बात अगर बिहार की होती तो उस पर भी टांग खींचा जाता और कहा जाता कि उसे सुई ही नहीं लगा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6 करोड़ रुपया उसमें टैक्स माफ़ कर दिया था, जिसके बाद उसे ये इंजेक्शन लगा था और इंजेक्शन लगने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो बिहार से बाहर का मामला था, जिसके कारण उस पर कोई उंगली नहीं उठा। लेकिन वहीं ये बात बिहार की अगर होती तो ये लोग ज़रूर कहते कि उसे सुई ही नहीं लगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। आप देख रहे थे R मीडिया। मैं हूँ आपके साथ पटना से अनमोल तिवारी।